गोरखपुर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम व राजस्व विभाग के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके लिए अब तक 15,000 कर्मचारियों का पंजीकरण कोविन पोर्टल पर हो चुका है। पंजीकरण 31 जनवरी तक किया जाएगा। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इससे अब तक 4 चक्र का टीकाकरण हो चुका है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया, करीब 12,000 लोगों को टीका लगाया गया है। 4 फरवरी को इसका 5वां चक्र होगा। 5 फरवरी को बचे हुए करीब 10% स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी को फ्रंट लाइन वर्कर का भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर में पुलिसकर्मी, प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी, नगर निगम, राजस्व विभाग के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी शामिल हैं। यह वह टीम है जो कोरोना संक्रमितों के इलाज, नियंत्रण व प्रतिरक्षण से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हैं। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि फ्रंट लाइन वर्कर की सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। हर विभाग से कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है। कर्मचारियों की सूचना कोविन पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। 31 जनवरी तक कर्मचारियों की सूची को अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 15,000 कर्मचारियों की सूची अपलोड की जा चुकी है। अगले 2 दिनों में करीब 5,000 और कर्मचारियों की सूची अपलोड हो जाएगी। इन सभी कर्मचारियों को कोविन पोर्टल से वैक्सीनेशन के लिए मैसेज आएगा। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी चक्रवार वैक्सीनेशन होगा। सप्ताह में 2 दिन टीका लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, अभी तो 4 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है लास्ट, और कुछ जो स्वास्थ्य कर्मी बचेंगे उनका 5 फरवरी को होगा। 5 फरवरी में ही कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स के भी टीकाकरण होंगे, क्योंकि पोर्टल पर एंट्री हो गई है। करीब 15,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स की पोर्टल पर एंट्री हो गई है, तो पोर्टल से जो भी सूची हमको उपलब्ध होगी उसके अनुसार हम टीकाकरण 5 फरवरी को फ्रंट लाइन वर्कर्स का करेंगे। सर, ये फ्रंट लाइन वर्करों में किन किन विभाग के लोग शामिल हैं? फ्रंट लाइन वर्कर्स में बेसिकली वो विभाग हैं जो कोरोना काल में एक्टिव भूमिका निभाए रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के, जैसे कि पंचायती राज विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, प्रशासनिक विभाग, रेवेन्यू विभाग हो गया। ये विभाग जो हैं इन्हीं के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में, नगर निगम हो गया तो ये लोग सफाई कर्मी नगर निगम के हैं, तो ये सभी लोग जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स पे गिने गए हैं। और ये चूँकि ये खुद अभी भी कोरोना के उसमें काम कर रहे हैं, प्रभावित हो सकते हैं, तो इनको भी इम्यूनाइजेशन करना बेहद ज़रूरी है। अब स्वास्थ्य विभाग का इम्यूनाइजेशन हो गया तो फिर इन सब का भी इम्यूनाइजेशन जरूरी होगा, जिससे कि ये लोग खुल करके काम कर सकें। 31 जनवरी की समय सीमा है, तब तक सबको अपलोड कर लेना है। विभागवार लोग अपलोड कर रहे हैं।